आज हम आए हैं दोस्तों दुबई एक्सपो 2020 में, और आज के वीडियो में देखते हैं कौन से आज हम आए हैं दोस्तों दुबई एक्सपो 2020 में, आज टूर कराते हैं इस वीडियो में आपको पूरे एक्सपो का, और देखते हैं कौन से देश का पवेलियन बेस्ट पवेलियन है। हम शुरुआत करना चाह रहे थे यूएई के पवेलियन से, लेकिन वो अभी खुला नहीं है, तो सऊदी अरेबिया उसके साइड में ही है। सऊदी अरेबिया वाले से शुरुआत करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा शीशा लगा रखा है, जिससे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होते हुए दिख रहा है। लोग उल्टे चलते हुए दिख रहे हैं बिल्डिंग पर, नीचे से रिफ्लेक्ट होकर। Let's try getting without getting wet here. Yeah, boy. Oh no. That was a fail. यहाँ पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने कंट्रीज़ की अलग अलग लोकेशंस का टूर करा रहे हैं। अभी इस लोकेशन को हम देख रहे हैं, और इस लोकेशन में आपको इस तरह का रेत और इस तरह की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स नहीं है इसमें, लेकिन विजुअली बहुत ही अच्छा है पवेलियन। So hot today that it will probably dry up in no time. I also think so. ये यूएई वाला काफी पॉपुलर पवेलियन है, बहुत ही लंबी लाइन है वहाँ से आती हुई दिख रही है। थैंकफुली हमें इसमें वीआईपी एंट्रेंस मिली है। Real sun? Real sun. No way. यहाँ पर असली रेत इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, साथ में विजुअल इफेक्ट बना रखा है उसके पीछे डेजर्ट का। वाह, यहाँ पर इन विजुअल इफेक्ट्स के साथ इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बता रखी है कि कैसे 1971 में 7 एमिरेट्स जुड़कर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक देश बने, और यहाँ 1980s की फोटोज, फिर 90s, और आगे टाइम में ऐसे जा सकते हो आप। Magic. ये जो स्पॉट है ये बड़ा ही खास स्पॉट है, क्योंकि ये एक्चुअली में ना सिर्फ यूएई के पवेलियन का सेंटर स्पॉट है, जहाँ से पूरे फैल्कन का सेंटर बनता है। ये पूरा यूएई का पवेलियन एक फैल्कन की शेप में है, क्योंकि इनका नेशनल बर्ड होता है, बल्कि ये वाला पॉइंट पूरे एक्सपो का सेंटर स्पॉट है, क्योंकि यूएई का पवेलियन सेंटर में बना हुआ है पूरे एक्सपो। कई फ्यूचरिस्टिक एग्जीबिशंस भी हैं इनकी यहाँ पर, जैसे कि ये इनकी फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक टैक्सी, जो ये ऑलरेडी यूज़ करने लग रहे हैं यास आइलैंड पर। कई और टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और क्लाउड सीडिंग यहाँ पर। ये नॉर्मल सीमेंट से बना कंक्रीट, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर है यहाँ के स्पेशल कैलमैग सीमेंट, जो मैग्नीशियम से बनी सीमेंट है, जो एक्चुअली में डीसेलिनेशन वेस्ट से निकाला जा रहा है। तो डीसेलिनेशन प्रोसेस से हम पानी निकालते हैं, और जो उस डीसेलिनेशन के प्रोसेस से वेस्ट निकल रहा है, उससे हम सस्टेनेबल कॉन्क्रीट बनाने लग रहे हैं। सो हाउ वाज इन I love the room with the video, and I love the hall at the end because I'm a big fan of the showcasing of the innovations and future the futuristic technologies. Yeah, it just makes you feel so hopeful about the future rather than. पीछे देख सकते हो UAE का pavilion falcon की shape में है, और ये बिल्कुल expo के globe के एकदम side में है। Next आए हैं हम Luxembourg के pavilion में। लक्समबर्ग एक्चुअली में फेमस है दुनिया के फर्स्ट ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी, जो इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया है अपना, जहाँ पर जो कंपनीज लिस्ट करी जाती हैं उन्हें एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है।
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पवेलियन था। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं छोटी सी देश के बारे में, अगर आप स्पेशली इस देश के बारे में नहीं जानते। फ्रांस और जर्मनी के बीच में लाया करता है। और इस पवेलियन की एक और खास बात है स्लाइड, इसके लिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। लक्समबर्ग के बिल्कुल साइड में है यूके का पवेलियन, यहाँ देखते हैं अंदर। यहाँ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये जो वर्ड्स देख रहे हो ये लोगों ने चूज किए हैं, तो हमें एक वर्ड चूज करना है और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप उस वर्ड को उधर चार्ट पे लाएगा और एक पोएम बनाएगा उससे, जो सारे रैंडम वर्ड्स लोग चूज करते हैं। ये पवेलियन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बहुत से लोगों से सुना था कि ये सबसे बेकार पवेलियन है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और अब देख के शायद लग भी रहा है कि काफी बेकार है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। यह है जर्मनी का पवेलियन और इसमें हम पिछले दिन जब आए थे, जब ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं। तो अगर इसके बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हो, आप DW ट्रैवल की वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था स्पेशली इस पवेलियन पे एक वीडियो बनाने को। ये इतना बड़ा पवेलियन है, इतने सारे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट से भरा है कि इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो हो सकता था। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या इट्स वन ऑफ द बेस्ट वंस टिल नाउ दैट वी हैव सीन एक्चुअली। सो अब हम इसमें दोबारा से नहीं जाएंगे, अगर आपको इसके अंदर देखना क्या है तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट चाय वाला, अगर चाय पीनी हो आपको यहाँ पर। और गार्डन इन द स्काई, ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ थी, इस पर भी हम पिछले दिन गए थे। ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है पूरे एक्सपो का। साउथ कोरिया का है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं आज हमारे पास कि हम इसमें जा पाए, लेकिन ये बाहर से जो दिख रहा है, बाहर से एक अच्छा व्यू देता है। इसके ऊपर भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ के आप व्यू देख सकते हो एक्सपो का। अब भूख लगी हो तो हंगरी के पवेलियन में आ सकते हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अब हम नेक्स्ट पवेलियन हंगरी वाला देखने जाएंगे। तो इंटरेस्टिंगली हंगरी का पवेलियन खाने के ऊपर नहीं है बल्कि पानी के ऊपर है, वाटर के ऊपर है। बूडापेस्ट एक्चुअली दुनिया की ऐसी कैपिटल सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाज मिलेंगे आपको। हम यहाँ गए हुए हैं एक्चुअली में, फ़ोटो होगी तो डाल देंगे। यहाँ पर एक बॉल्स का जगह है, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। ये है स्विट्जरलैंड का पवेलियन और ये है ऑस्ट्रिया का पवेलियन। दोनों में जाते हैं, पहले ऑस्ट्रिया में। यहाँ इस पवेलियन में आकर ऐसा लगता है कि इजिप्ट के पवेलियन में आ गए हूँ। इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इन्होंने हवा, ठंडी हवा के लिए नेचुरल वो बना रखे हैं जैसे दुबई में हमें देखने को मिलते हैं, और कहते हैं कि ये हम कनेक्टिंग माइंड्स कर रहे हैं, तो हम दुबई के कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा अजीब सा पवेलियन है ये। ये हार्ट बीट मेजर कर रहा है और हार्ट बीट के बेसिस पे ये डॉट्स हिल रही हैं। जब देश का पवेलियन कोई सेंस ना बनाए तो यहाँ पर ये लिख रखा है, डेस्परेटली कोशिश कर रखी है इन्होंने कि चलो भाई सेंस बनाता है हमारा देश भी कुछ। इसके साइड में चाइना भी है, चाइना देख लेते हैं।
एंटर करते ही जी जिनपिंग का चेहरा दिख गया है दो बारी। यहाँ चाइना की हाई स्पीड ट्रेन्स, दैट्स वेरी फास्ट बुलेट ट्रेन। स्मार्ट सिटी, यहाँ भी स्मार्ट सिटी। तो अभी तक चाइना का जो पवेलियन है ये वन ऑफ द वर्स्ट में से काउंट करूँगा मैं, कुछ ना के बराबर इन्होंने चीज़ें दिखा रखी हैं। जो दिखा भी रखी हैं चीज़ें समझनी आसान नहीं है, कुछ अनरियलिस्टिक सी अजीब सी टेक्नोलॉजीज दिखा रखी हैं, डिज़ाइन अच्छा नहीं था इसका। और ऑस्ट्रिया भी बॉटम रैंक पर ही आएगा, ऑस्ट्रिया चाइना दोनों के पवेलियन जितने भी अभी तक हमने देखे हैं उनमें से। Well, good thing is we still have more than 170 pavilions left to check out, so. ये है इंडोनेशिया, लेबनन, अब आते हैं इस रंग बिरंगे में, अब गेस कर नहीं पाओगे कौन सा है ये। ये है पाकिस्तान एक्चुअली में। तो पाकिस्तान को वन ऑफ द बेस्ट पवेलियंस बताया गया इस एक्सपो का, चलकर देखते हैं। इट्स गोइंग थ्रू द हिस्ट्री, एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान हैव द सेम हिस्ट्री ऑलमोस्ट, सो इट्स बढ़िया हिस्ट्री बता रखी है यहाँ पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, सिख किंगडम, ब्रिटिश रूल, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो हमारी सेम ही हिस्ट्री रही थी, यहाँ से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। दिवाली की सेलिब्रेशन भी यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने, और बाकी इनके जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं अलग अलग रीजन्स के उन्हें भी यहाँ पर शोकेस कर रखा है बड़े अच्छे से। और एंड में यहाँ पे एक ढाबा भी है। यहाँ पाकिस्तान पवेलियन वालों ने बताया कि इनका रेस्टोरेंट बड़ा पॉपुलर है और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर खाने आते हैं वो इंडियन पवेलियन से आते हैं, क्योंकि इंडियन पवेलियन के आसपास इतना अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो यहाँ काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही हैं इस ढाबे पर, जैसे कि ये गन्ने का जूस मिला है। तो ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया पवेलियन था, इन्होंने हमारे हिस्ट्री और कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से शो किया था, और खाने के लिए भी इनका काफ़ी अच्छा था। बाद में इन्होंने, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर अपनी टेस्टिमनी दे दूँ कि मुझे कैसा लगा पवेलियन, और ये फिर अपने पेज पर डालते, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि अगर ऐसा कर लेता तो पक्का उसे कोई ना कोई मिसयूज़ करता, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर फिर कहता ये देखो पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी, छोड़ते नहीं फिर ये लोग, पता ही आपको लोग कैसे हैं। लेकिन बहुत अच्छा पवेलियन है ये। इज़राइल के पवेलियन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सुना है काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आप क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर जाके सीढ़ियाँ हैं जहाँ से थोड़ी सी ऊपर आपको ये फ़ोटोज़ दिखेंगी, और नीचे जाके एक हॉल है जहाँ पे एक मूवी चला कर दिखाते हैं वो आपको, तो कुछ इतना ज़्यादा यूनिक या इंटरेस्टिंग नहीं है। और अब चलते हैं इंडियन पवेलियन के अंदर।